हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर मुकेश जिंदल फ्रॉम डे 5 केमिस्ट्री क्लासेस। हाउ आर यू बेटा? अब आज हमने जो टॉपिक करना है वो है ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स। ठीक है, जितनी भी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जितनी भी कन्वर्जन है हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन को करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने कुछ 20 कन्वर्जन यहाँ पे चूज किए हैं। ये हमारे फर्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ कन्वर्जन के बेसिस पे। ठीक है, इसमें 20 कन्वर्जन मैंने चूज किए हैं, तो ये वन बाय वन हम करेंगे सारी कन्वर्जन। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट कन्वर्जन, विच इज क्लोरोमीथेन टू मिथेनोइक एसिड। ठीक है, सबसे पहले कन्वर्जन करने से पहले आप सबका स्वागत है ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस। ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस उसमें फर्स्ट कन्वर्जन आ रही है वन क्लोरोमीथेन टू मिथेनोइक एसिड। फर्स्ट कन्वर्जन बच्चे वन क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, दिस इज बच्चे क्लोरोमीथेन। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना है मिथेनोइक एसिड में, इसको हमने कन्वर्ट करना है मिथेनोइक एसिड में। तो बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे KOH एक्वस। इसमें हम क्या डालेंगे, KOH एक्वस हम इसमें डालेंगे। जब हम इसमें KOH एक्वस डालेंगे तो क्या होगा, जो CH3 है इसके साथ यहाँ पे लग जाएगा OH, क्योंकि जो एक्वस KOH होता है बच्चे वो क्या करता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू करता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि Cl रिमूव हो जाता है और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू करेगा, हमारे पास बन जाएगा मिथेनोल। ये वाला जो कंपाउंड बनेगा बच्चे ये बन गया मिथेनोल। ठीक है, मिथेनोल की जब हम करते हैं बच्चे ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे पहले बनेगा यहाँ पे मिथेनल। सबसे यहाँ पे पहले क्या बनेगा, मिथेनल। उसकी फिर फर्दर अपने आप ही ऑक्सीडेशन हो जाएगी जो कि कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में HCOOH। तो ये हमारा मिथेनोइक एसिड है बच्चे, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है क्लोरोमीथेन से मिथेनोइक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बच्चों सेकंड जो हमारी रिएक्शन आ रही है वो यहाँ पे रही है क्लोरोमीथेन टू इथेनोइक एसिड। अब हमने क्लोरोमीथेन से इथेनोइक एसिड बनाना है, तो ये कैसे बनेगा, देखिए क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला होता है CH3Cl। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक कार्बन को बढ़ाना है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओरिजिनल फर्स्ट जो कन्वर्जन हमने की थी उसमें एक कार्बन था और फाइनली भी एक ही कार्बन था। ठीक है, अब हमने इस रिएक्शन में कार्बन को बढ़ाना है। जब हमने कार्बन को भी बढ़ाना होता है तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चे, इसमें हम ऐड कर देंगे KCN। इसमें क्या ऐड करेंगे, KCN। जैसे ही बच्चे हम इसमें KCN ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी बच्चे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि ये वाला Cl है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय CN। अब यहाँ पे साइनाइड ग्रुप लग जाएगा CH3 के साथ, ये रहा साइनाइड ग्रुप, इसका नाम है बच्चे इथेन नाइट्राइल। इसका नाम है इथेन नाइट्राइल। अब ये जो इथेन नाइट्राइल जब बन गया, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे एक चीज बताता हूँ कि जब भी कभी आपको साइनाइड ग्रुप मिल जाए, जब भी कभी आपको साइनाइड ग्रुप मिल जाए उसमें आप डाल सकते हो एसिडिक वाटर। उसमें जैसे ही आप एसिडिक वाटर डालोगे तो जो साइनाइड होता है वो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास CH3COOH, मतलब CH3 तो वैसे का वैसा रहेगा, जो साइनाइड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये देखिए हमारे पास इथेनोइक एसिड जो है वो प्रिपेयर हो चुका है, इथेनोइक एसिड हमारा प्रिपेयर हो चुका है। तो बच्चों थर्ड रिएक्शन ये लिखा हुआ है, थर्ड ये क्या है, इथेनल टू ब्यूटेन 1,3-diol। इथेनल, इथेनल का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड। इथेनल से ब्यूटेन 1,3-diol बनाना है, ये बड़ी फेमस रिएक्शन है बच्चों। इथेनल, इथेनल होता है बच्चों CH3CHO, दिस इज इथेनल, ये होता है CH3CHO। बच्चे जब हमने इथेनल से ब्यूटेन 1,3-diol बनाना होता है, इस रिएक्शन का नाम होता है बच्चे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसका नाम क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या क्या करते हैं बच्चे, हम दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, दो मॉलिक्यूल ले लेंगे इथेनल के, इसमें हम दो मॉलिक्यूल ले लेंगे इथेनल के। ये देखिए दो मॉलिक्यूल हमने ले लिए इथेनल के। अब क्या होगा, ये जो सेकंड इथेनल है, ये वाला इथेनल है, इसका जो अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन कौन सा होता है बच्चे, ये जो CHO फंक्शनल ग्रुप लगा होता है इसके जो साथ वाला कार्बन होता है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। यहां से एक हाइड्रोजन जो होगा वो यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यहां से जो हाइड्रोजन होगा वो यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और यहां पे जो CH2 बचेगा वो इसके ऊपर अटैक कर देगा, इस कार्बन के ऊपर। क्यों कर देगा, बिकॉज ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है बच्चे, यहाँ पे कौन से चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3C, इसको लिख रहा हूं मैं CH3CO,
H, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव के ऊपर यहाँ से H पॉजिटिव अटैक करेगा, तो ये H यहाँ पे लग गया, और ये जो CH2 पॉजिटिव CH जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा CH2 नेगेटिव, सॉरी ये वाला, तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप लग गया CH2 CHO, ये बन गया बच्चे, ठीक है। अब हमने बनाना क्या था इसमें, ब्यूटेन 1,3 डायोल, ब्यूटेन 1,3 डायोल, ये देखो ये हमारे पास क्या बन गया, ये इसमें एक तो अल्कोहल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। अब हम इसमें क्या कर देंगे, इसकी रिडक्शन कर देंगे, इसकी क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे LiAlH4, इसमें क्या डालेंगे LiAlH4, तो ये क्या करेगा इसकी रिडक्शन कर देगा, और यहां पे क्या बना देगा CH3 COH H CH2। जब भी एल्डिहाइड की रिडक्शन होती है बच्चे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है, अल्कोहल बनता है, तो यहां पे हो जाएगा CH2 और यहां पे लग जाएगा OH। तो देखिए बच्चों इस कंपाउंड का नाम क्या बन गया, एक दो तीन चार, चार कार्बन है, चार कार्बन का तो हो गया ब्यूटेन, और फर्स्ट और थर्ड पे क्या लगाया OH लगाया, तो ये हो गया ब्यूटेन 1,3 डाइओल, यही तो हमने बनाना था। ये देखिए इथेनॉल टू ब्यूटेन 1,3 डाइओल, ये हमारा तैयार है प्रोडक्ट। अब आगे फोर्थ रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन है बच्चों फिनोल टू फिनोल फैथलीन, फिनोल टू फिनोल फैथलीन, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फिनोल टू फिनोल फैथलीन। बच्चों सबसे पहले फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला बच्चों दिस इज फिनोल, हम क्या करेंगे इसमें टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल ले लेंगे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल ले लेंगे, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, This is what thallic anhydride। बच्चे इसका नाम क्या है, thallic anhydride। इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या कि ये जो फिनोल का पैरा पोजिशन पे जो हाइड्रोजन होगा, तो दो फिनोल के दो हाइड्रोजन यहां से पैरा पोजिशन से इस O के साथ भाग जाएंगे वाटर की फॉर्मेशन करके, यहां से दो हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन वाटर की फॉर्मेशन करके उड़ जाएंगे, तो क्या होगा ये वाला जो कार्बन होगा वो इस कार्बन के साथ लग जाएंगे, तो देखो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बच्चों हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट का नाम है फिनोल फैथलीन। देखिए फिनोल फैथलीन को हमने कैसे बनाया कि यहां से दो हाइड्रोजन, दो मॉलिक्यूल है ना, एक हाइड्रोजन एक का, दूसरे का भी दूसरा हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन वाटर रिमूवल हो गया, तो ये वाला कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, दूसरे का कार्बन भी इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं फिनोल फैथलीन। उसके बाद आती है बच्चों फिफ्थ रिएक्शन, सैलिसिलिक एसिड टू एस्पिरिन, सैलिसिलिक एसिड टू एस्पिरिन, तो ये फिफ्थ रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है जब बेंजीन के ऊपर OH और COOH दोनों ग्रुप लगे हों, तो इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, दिस इज व्हाट सैलिसिलिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, और ये रीमर टीमन रिएक्शन से बनता है। अगर आपको पूछे कि सैलिसिलिक एसिड को किस रिएक्शन में बनाया जाता है, तो इस रिएक्शन को बनाया जाता है रीमर टीमन रिएक्शन में और कॉल्ब्स रिएक्शन में, दो रिएक्शन है हमारी, एक कॉल्ब्स रिएक्शन और एक रीमर टीमन, दोनों में बनाया जाता है इसको। तो सैलिसिलिक एसिड से हमने क्या बनाना है, एस्पिरिन बनाना है, तो इसके लिए एस्पिरिन क्या होता है बच्चों, एस्पिरिन एक मेडिसिन होती है जो कि एनर्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों का काम करती है, जो कि एनर्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों का काम करती है। एनर्जेसिक क्या होती है, जो पेन रिमूवल होती है ना, जिसे दर्द दूर होता है, और एंटीपायरेटिक क्या होती है, जिससे टेम्परेचर लो हो जाता है, मतलब जो बुखार के लिए यूज की जाती है। तो हमने इससे एस्पिरिन बनानी है, एस्पिरिन कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम डाल देंगे बच्चों सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ C डबल बॉन्ड O यहां पे CH3। तो बच्चे इस कंपाउंड का नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हम यहां पे क्या करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड को जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहां पे क्लीवेज यहां से होती है बच्चों, तो यहां से क्लीवेज होगी इसमें, ये वाला जो CO CH3 ग्रुप है इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होता है, असाइल ग्रुप। ये वाला जो असाइल ग्रुप है वो यहाँ पे O के साथ चला जाएगा, और ये वाला जो H ग्रुप है ये वाले ग्रुप के साथ एसिटाइल ग्रुप के साथ चला जाएगा, एसिटेट ग्रुप के साथ चला जाएगा। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसिटेट, CH3 COO ग्रुप इज कॉल्ड एसिटेट ग्रुप, इसके साथ H चला जाएगा। तो जब
इस ग्रुप के साथ H चला गया तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O OH, देखो CH3COO और ये वाला H CH3COOH निकल गया। उसके बाद प्लस यहाँ पे जो O बचा उसके साथ COCH3 जाके लग जाएगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा O C डबल बॉन्ड O CH3 बेंजीन रिंग और यहाँ पे COOH। तो बच्चे इस कंपाउंड को बोलते हैं एस्पिरिन। ये एक मेडिसिन है, ये एक मेडिसिन है जिसको हम यूज करते हैं एज एन एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक। ये याद रखना है, ठीक है बच्चों, इसको हम ऐसे यूज करते हैं। उसके बाद बच्चों सिक्स्थ रिएक्शन आती है, सिक्स्थ रिएक्शन है क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन सिक्स्थ रिएक्शन आती है। क्लोरोइथेन देखिए CH3CH2Cl, दिस इज कॉल्ड क्लोरोइथेन। अब हमने इससे बनाना है बच्चों ब्यूटेन बनाना है। देखो ब्यूटेन, अगर आप ध्यान से देखोगे इथेन में कितने कार्बन होते हैं, टू कार्बन होते हैं, और ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं बच्चों, फोर कार्बन होते हैं। तो अगर हमें कभी भी दो से चार कार्बन बनाने हो तो डबलिंग करनी हो कार्बन की, तो हम क्या करते हैं जनरली वुड्स रिएक्शन यूज करते हैं। कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं? वुड्स रिएक्शन, WAURTZ वुड्स रिएक्शन यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है बच्चों, तो दो मॉलिक्यूल हम ले लेंगे यहां पे क्लोरोइथेन के, इसमें हम डाल देंगे 2Na और एक इसका एक मॉलिक्यूल और ले लेंगे CH2CH3Cl, ठीक है ये वाला, मतलब दोनों एक जैसे हो गए और इसमें 2Na डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। तो देखिए क्या होगा, तो यहां से 2NaCl निकल जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा CH3CH2CH2CH3 ये ज्वाइन कर जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा CH3CH2CH2CH3। तो बच्चों देखो हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन हो गई, ब्यूटेन की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे हमारे पास ब्यूटेन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद आती है बच्चों सेवंथ रिएक्शन, उसके बाद आती है सेवंथ रिएक्शन। तो जो सेवंथ रिएक्शन है वो है हमारी बेंजीन इंटू बेंज एल्डिहाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बेंजीन इंटू बेंज एल्डिहाइड। तो बच्चों जब भी हमने बेंजीन से बेंज एल्डिहाइड बनाना हो तो इसके लिए हम दो रिएक्शन यूज कर सकते हैं, जब भी हमने बेंजीन से बेंज एल्डिहाइड बनाना हो तो इसके लिए हम दो रिएक्शन यूज करते हैं। ये दोनों ही नेमिंग रिएक्शन है, वन इज गेटरमैन रिएक्शन, वन इज गेटरमैन कोच रिएक्शन, सॉरी फर्स्ट रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन। उसमें क्या रहता है कि हम इसमें डालेंगे CO कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये डालेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो है बेंज एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड क्या है कि हमने यहाँ पे बेंजीन ले लिया, जैसे यहां से दिखा देता हूं, यहाँ पे ये जो बेंजीन है इसमें हमने ये डाल दिया CH3Cl, इसमें हमने डाल दिया CH3Cl, हाँ इसमें हमने डाल दिया CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। बच्चों इस रिएक्शन का नाम होता है फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, इसका नाम होता है फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो यहां भी क्या रहता है कि यहां से H और यहां से Cl, HCl उठ जाएगा और ये वाला जो CH3 है वो यहां पे जाके लग जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा CH3 और यहां पे लग गया बेंजीन। तो बच्चों ये हमारे पास कंपाउंड बन गया टोलुइन, ये कंपाउंड बन गया टोलुइन। ये जो टोलुइन है इसमें हम अगर डाल दें बच्चों CrO2Cl2, अगर हम इसमें डालते हैं CrO2Cl2, इसका नाम होता है क्रोमाइल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, और इस रिएक्शन का नाम होता है बच्चों ईटार्ड रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम होता है ईटार्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, टोलुइन में जब जैसे हमने CrO2Cl2 डाला तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी CH3 की और यहाँ पे हमारे पास बेंज एल्डिहाइड बन जाता है, यहाँ पे हमारे पास बेंज एल्डिहाइड बन जाता है। मैं आपको एक आपकी नॉलेज के लिए एक पॉइंट और बता देता हूँ, ये जो ईटार्ड रिएक्शन होती है, ये जो CrO2Cl2 होता है बच्चों, ये हमेशा टर्मिनल कार्बन का ही ऑक्सीडेशन करता है, ये हमेशा टर्मिनल कार्बन का ही ऑक्सीडेशन करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे CH2CH3 होता, बेंजीन के ऊपर CH2CH3 लगा होता, इसमें हम डाल देते CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड डाल देते, तो इसने सिर्फ इस कार्बन की ही ऑक्सीडेशन करनी थी और हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनना था CH2CHO और यहाँ पे बेंजीन। तो मतलब ये इस रिएक्शन की खासियत है, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो क्रोमाइल क्लोराइड होता है ये टर्मिनल कार्बन का ही ऑक्सीडेशन करता है, और आप इस रिएक्शन को दो तरीके से कर सकते हो सेवंथ रिएक्शन को, ठीक है। आई होप कि ये सारी रिएक्शन आपको समझ आ रही होगी। अब एट्थ रिएक्शन पे चलते हैं, उससे पहले इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं।
बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे एट रिएक्शन को। एट रिएक्शन देखिए कौन सी है, क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल, क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल। बच्चों जब भी हमने क्लोरोबेंजीन से, दिस इज क्लोरोबेंजीन, जब भी बच्चों हमने क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल बनाना हो तो हम यूज करते हैं फिटिंग रिएक्शन को। कौन सी रिएक्शन को यूज करते हैं, फिटिंग रिएक्शन को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल ले लेंगे हम, यहाँ पे हम दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, किसके, क्लोरोबेंजीन के टू मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, उसमें हम डाल देंगे 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बिल्कुल वुड्स रिएक्शन की कॉपी होती है, बस इसमें हम हैलोइंस लेते हैं, इसी को आपने आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ से 2NaCl निकल जाएंगे और ये दोनों बेंजीन एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे लाइक दिस। तो ये रहा हमारे पास बाइफिनाइल, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लोरोबेंजीन से जो है बाइफिनाइल बना सकते हैं। बच्चों नाइन्थ रिएक्शन आती है हमारे पास, नाइन्थ रिएक्शन आती है, उसका नाम है 2-bromo-butane to but 2-ene। देखिए 2-bromo-butane, ये देखिए CH3CH CH2 CH3। अब देखिए सेकेंड पोजिशन पे ब्रोमीन लगाया बच्चों, तो देखिए इसका नाम हो गया 2-bromo-butane, ठीक है। इससे हमने बनाना है बच्चों, इससे हमने बनाना है ब्यूट टू ईन, ठीक है। तो मतलब जब भी हमने कभी सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड लेके आना हो तो बच्चों तब करवाई जाती है एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन करवाई जाती है, एलिमिनेशन। जो 12th क्लास में मतलब जो मेन यूज होती है, हमें दो एलिमिनेशन रिएक्शन यूज होती है, एक तो होती है हैलोएल्केन्स के लिए और दूसरी होती है एल्कोहल्स के लिए। तो बच्चों जब भी हम हैलोएल्केन की एलिमिनेशन करवाएंगे तो वहां पे हम ऐड करते हैं अल्कोहलिक KOH। जब भी हम हैलोएल्केन की एलिमिनेशन करवाएंगे तो यहां पे यूज होता है अल्कोहलिक KOH, और जब भी हम अल्कोहल की एलिमिनेशन करवाएंगे, रिमूवल ऑफ वाटर किया जाएगा उसमें, तो उसमें यूज होता है H2SO4 कंसंट्रेटेड, टेम्परेचर होता है 443 केल्विन, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास हैलोएल्केन है, हमने इसमें डाल दिया अल्कोहलिक KOH, इसमें हमने डाल दिया अल्कोहलिक KOH। तो बच्चे जैसे ही हमने इसमें अल्कोहलिक KOH डाला तो देखिए, तो इसका कार्बन को हम अल्फा कार्बन मान लेते हैं जिसके साथ हाइड्रोजन लगा है, तो इसके साथ ये भी बीटा हो गया और ये भी बीटा हो गया। तो अकॉर्डिंग टू सिटजेफ्स रूल, जो हमने सिटजेफ्स रूल किया है, तो उसने क्या बोला था कि जब भी एल्कीन बनेगा वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा जो कि मोर एल्काइलेटेड होगा। तो अगर यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये वाला जो एल्कीन होगा ये मोर एल्काइलेटेड होगा, तो इसलिए इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा बच्चे ये वाला फेवरेबल होगा यहाँ वाला, जब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नेम है बच्चों ब्यूट टू ईन, इसका नेम है ब्यूट टू ईन, ठीक है। उसके बाद बच्चों टेंथ रिएक्शन आ गई, मिथेनोल टू क्लोरोमीथेन, मिथेनोल टू क्लोरोमीथेन। देखिए बच्चों ये है मिथेनोल, CH3OH को बोला जाता है मिथेनोल। अब हमने इससे बनाना है क्लोरोमीथेन। तो बच्चों मिथेनोल से क्लोरोमीथेन बनाने की 4-5 मेथड है जो कि सबसे फेवरेट मेथड में से आते हैं। इसमें आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, पर सबसे बेस्ट मेथड जो होता है अल्कोहल से हैलोएल्केन बनाने का वो होता है बाय एडिंग SOCl2। By adding SOCl2, इस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों डार्जन्स प्रोसेस। इस प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोला जाता है, डार्जन्स प्रोसेस। तो बच्चों इसमें क्या रहता है, डार्जन प्रोसेस में इस अल्कोहल को हम 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर लेंगे, 3 पार्ट्स में CH3OH को ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब ये जो SOCl2 है, एक Cl इस H के पास भेज देंगे, एक Cl CH3 के पास भेज देंगे, और O के पास क्या भेज देंगे, SO। तो हमारे पास यहां पे 3 प्रोडक्ट बनते हैं, वन इज CH3Cl, another one is SO2, another one is HCl। अब बच्चों इस मेथड को सबसे बेस्ट मेथड क्यों माना जाता है, अच्छा इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड। अब इसको बेस्ट मेथड क्यों माना जाता है, इसको बेस्ट मेथड इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जो क्लोरोमीथेन हमारा बन गया, जो हमने बनाना था, जो इसके साथ साइड प्रोडक्ट निकले ये SO2 और HCl, ये दोनों ही गैसेस होती हैं और ये उड़ जाते हैं ऊपर, ठीक है। तो हमें जो प्योर हैलोएल्केन है वो मिलता है। इसके बाद आगे बच्चे 11th रिएक्शन, 11th रिएक्शन है प्रोपीन टू प्रोपेनोल, प्रोपीन टू प्रोपेनोल। बच्चों प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है,
ये वाला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन, ठीक है, इससे हमने बना लिया प्रोपेनोल, इससे हमने क्या बनाना है प्रोपेनोल। तो इससे प्रोपेनोल कैसे बनाओगे, पहली पोजीशन पे ओल लेके आना है हमने, तो अल्कोहल मतलब OH लेके आना है यहां पे, तो हम सबसे पहले इसमें लगाएंगे एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, यहां पे हम क्या लगाएंगे एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को कौन शो करता है सबसे ज्यादा, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल में क्या रहता है कि जो हैलोजन एसिड का जो नेगेटिव पार्ट होता है ये उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, और ये पॉजिटिव पार्ट है उसके पास जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लग गया Br। तो बच्चों ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, इसका नाम क्या हो गया ब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम क्या होता है ब्रोमो प्रोपेन। पर हमारा प्रोडक्ट तो अभी भी नहीं बना, हमने क्या बनाया था प्रोपेनोल। तो बच्चे इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे एक्वस KOH, मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट रिएक्शन थी उसमें भी के जब भी ब्रोमीन को हटा के OH लगाना हो तो उसमें क्या डाल दो एक्वस KOH डाल दो, KOH एक्वस। जैसे ही आप इसमें एक्वस KOH डालोगे Br रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा OH, तो हमारे पास बन गया CH3CH2CH2OH। तो दिस इज प्रोपेन वनोल, इसको बोल देते हैं प्रोपेनोल। तो देखिए प्रोपीन से हमारा प्रोपेनोल तैयार है। उसके बाद आगे बच्चों 12th रिएक्शन, 12th रिएक्शन में बनाना है क्लोरोइथेन टू इथीन, क्लोरोइथेन बच्चों क्लोरोइथेन का फॉर्मूला होता है CH3CH2Cl, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोइथेन। इससे हमने बनाना है इथीन, इथीन कैसे बनाएंगे मतलब सिंगल से डबल बॉन्ड लेके आना है। बच्चे जब भी हमने सिंगल से डबल बॉन्ड लेके आना होता है तब हम हमारी कौन सी रिएक्शन होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, मैंने आपको पहले ही बोला था। और जब भी हम हेलोइकेन में एलिमिनेशन करवाएंगे तो एक रिएजेंट डलता है उसका नाम क्या होता है अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH इसमें डालेंगे। तो देखिए जैसे ही हम इसमें अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहां से ये कार्बन को अल्फा कार्बन मान लो, जिसके साथ हाइड्रोजन लगा उसको बीटा मान लो, तो अल्फा कार्बन से तो हाइड्रोजन उड़ गया और बीटा से हाइड्रोजन चला जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई और जो बाकी प्रोडक्ट है वो निकल जाएंगे। मेनली हमने सिर्फ अपने मेन प्रोडक्ट को टारगेट करना है जो हमने बनाना है। तो दिस इज इथीन, दिस इज इथीन। उसके बाद बच्चों 13th रिएक्शन आ गई हमारे पास में, 13th रिएक्शन है इथेनॉल टू प्रोपेनोल। ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और ये पक्का आने के आसार है। इथेनॉल टू प्रोपेनोल, इससे हम इथेनॉल से प्रोपेनोल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बच्चे इथेनॉल अल अल वर्ड यूज हो रहा है, अल अल किसके लिए होता है एल्डिहाइड के लिए। तो सबसे पहले इथेनॉल का फॉर्मूला हो गया बच्चों ये वाला, दिस इज इथेन अल, इसमें आप ऐड करोगे CH3MgBr, दिस इज व्हाट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चे ये क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सबको पता है कि CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और MgBr के ऊपर पॉजिटिव, और यहां पे कार्बोनिल ग्रुप में यहां पे नेगेटिव होता है और इसके ऊपर कौन सा होता है पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव है वो इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, ये वाला पॉजिटिव यहां पे अटैक करेगा, तो यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3O MgBr, यहां पे लग गया CH3 और यहां पे लग गया H, यहां पे था ये। तो बच्चों ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब इसके बाद जब हम इसके इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O in the presence of acid, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कभी भी करोगे तो जो ऑक्सी मैग्नीशियम बॉन्ड होता है वो हमेशा ब्रेक होता है और यहाँ पे H लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये जो OMgBr था वो MgBr निकल गया, यहाँ पे H लग गया, ठीक है, और यहाँ पे H CH3CH3। तो बच्चों ये कंपाउंड बन गया, इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेन टू ओल, इसका नेम है प्रोपेन टू ओल। तो हमने ये तो बनाना नहीं था, हमने तो बनाना है प्रोपेनोन, ठीक है। तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई प्रोपेन टू ओल। तो इसकी जैसे ही आप ऑक्सीडेशन करोगे, जैसे ही हम ऑक्सीडेशन करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की बच्चों, तो क्या बनता है कीटोन बनता है, तो यहां से हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहां से, ये दोनों उड़ जाएंगे। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां से हाइड्रोजन उड़ जाएंगे और हमारे पास किसी की फॉर्मेशन हो जाएगी
कीटोन की CH3 C डबल बॉन्ड CH3। तो बच्चों ये रहा हमारा प्रोडक्ट प्रोपेनॉल जो हमने बनाना था, ये हमारा तैयार है, ये जो प्रोपेनॉल है। बच्चों नेक्स्ट आ गई 14th रिएक्शन है हमारी डाइजोनियम सॉल्ट टू बेंजीन। तो बच्चों देखो डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो जब भी इसमें हम एक रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे H3PO2, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, जब इसको हम डालेंगे इसमें तो ये इसको इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप ध्यान में रखोगे। और ये क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये खुद को क्या कर लेगा, ऑक्सीडाइज कर लेगा और H3PO3 की फॉर्मेशन करेगा। 15th रिएक्शन आ गई बच्चों, 15th रिएक्शन है हमारी टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। टोलुइन, दिस इज टोलुइन, इससे हमने बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। तो बच्चों इसमें इसमें क्या होगी, अलाइलिक रिएक्शन है ये, अलाइलिक, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रहता है मैं आपको बताता हूं, इसमें रहता है कि जैसे आप इसमें क्लोरीन डालोगे एट टेम्परेचर ऑफ 700°C, टेम्परेचर कितना लेना आपने 700°C, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये जो क्लोरीन है ये अलाइलिक कार्बन के ऊपर लग जाएगा, यहाँ पे जाके लग जाएगा तो CH2Cl और यहाँ पे बेंजीन, ये लग गया, ठीक है। और हमने बनाना क्या था बच्चों, बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल होता है जब बेंजीन के ऊपर CH2 लगा और साथ में OH लगाओ, तो हमने यहाँ से Cl हटा के OH लगाना है। तो आप सोचो कि हमने Cl हटाना है और यहाँ पे OH लगाना, तो कैसे लगेगा, कैसे लगेगा बेटा, हम इसमें क्या डालेंगे, अल्कोहलिक KOH, सॉरी एक्वस KOH, जब एक्वस एंड AOH भी डाल सकते हो आप, एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH डालोगे तो यहाँ से Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और हमारे पास बन जाएगा CH2OH और यहाँ पे बेंजीन। तो दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, इस कंपाउंड का नाम है बच्चे बेंजाइल अल्कोहल। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आती है 16th रिएक्शन, बेंजीन टू 4-bromonitrobenzene, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजीन से 4-bromonitrobenzene, ठीक है। तो ये कैसे बनाएंगे, इसमें बच्चों सबसे पहले हम ऐड करेंगे ब्रोमीन, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ब्रोमीन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr2, ठीक है। तो जब हम इसमें ब्रोमीन ऐड करेंगे FeBr2 की प्रेजेंस में, तो यहां पे हमारे पास बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, सॉरी यहां पे हमारे पास लग जाएगा ब्रोमीन बेंजीन, इसका नाम होगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अब बच्चों ये जो ब्रोमोबेंजीन है, यहां पे जो ब्रोमीन है ये प्लस R इफेक्ट शो करता है, ये कौन से इफेक्ट शो करता है, प्लस R या प्लस M इफेक्ट शो करता है। तो जब भी कोई एलिमेंट या कंपाउंड बेंजीन के ऊपर लगा हो और वो प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा हो, तो जो नेक्स्ट ग्रुप होता है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करता है। तो हमने फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाना है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे बच्चों, नाइट्रो ग्रुप कभी भी लगाना हो तो ये दो रिएजेंट को डालते होते हैं HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो ये जो H2SO4 होता है ये नाइट्रिक एसिड से NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाएगा, और वो वाला जो NO2 इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, तो इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला। तो इस कंपाउंड का नाम है 4-bromonitrobenzene, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, 4-bromonitrobenzene। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन आ गई 17th रिएक्शन, इसमें बेंजाइल अल्कोहल टू 2-phenylethanoic एसिड। देखिए बेंजाइल अल्कोहल हमने थोड़ी देर पहले ही रेडी किया था, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, और इससे हमने बनाना है 2-phenylethanoic एसिड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे SOCl2। अब आप सोचो SOCl2 का क्या काम था, ये डार्सन प्रोसेस देता है, डार्सन प्रोसेस में हमने क्या किया था कि यहां से OH को उड़ा देगा और इस यहां पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा CH2Cl और यहां पे बेंजीन, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर देंगे बच्चों, KCl डाल देंगे, KCl पोटेशियम साइनाइड डाल देंगे, ये क्या करता है यहां से Cl को रिप्लेस करके यहां पे CN लगा देगा, तो यहां पे हमारा बन जाएगा CH2CN और ये बेंजीन।
तो जब भी हम, मैंने आपको बोला था कि जब भी हम साइनाइड में साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डालते हैं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, साइनाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखिए हमारे पास CH2COOH और यहाँ पे बेंजीन। बच्चों इस कंपाउंड का नाम है 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, इसका नाम है 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो इस रिएक्शन को अच्छी तरह से कर लेना, कई बार सीबीएसई में सीबीएसई इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेती है। 18th रिएक्शन आ गई बच्चों, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइड। देखिए 18th रिएक्शन आ गई, इथेनॉल CH3CH2OH, दिस इज व्हाट इथेनॉल। इससे हमने क्या बनाना है, प्रोपेन नाइट्राइड। प्रोपेन नाइट्राइड बनाने के लिए बच्चे इसमें हम क्या डाल देंगे, SOCl2 डालेंगे। SOCl2 जैसे ही डालोगे तो यहां पे बन जाएगा CH3CH2Cl, ये बन गया। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे KCN। जैसे हम इसमें KCN डालेंगे तो यहां पे बन जाएगा CH3CH2CN। बच्चों इसका नाम होता है प्रोपेन नाइट्राइड। ये जो कंपाउंड बन गया हमारा, ये बन गया प्रोपेन नाइट्राइड, ठीक है, ये बन गया प्रोपेन। बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन आ गई हमारे पास 19th रिएक्शन है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, बच्चों देखो सबसे पहले एनिलीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास बेंजीन के ऊपर जब NH2 लगा होता है, दिस इज एनिलीन। जब भी हमें एनिलीन से बच्चों क्लोरोबेंजीन बनाना हो तो सबसे पहले हम डाइसोनियम सॉल्ट तैयार करेंगे। उसके लिए क्या करना होता है हमें, उसके लिए हमने अपने HNO2 नाइट्रस एसिड, ठीक है, NaNO2, ठीक है, और HCl, और यहाँ पे टेम्परेचर रखना होता है 0-5 डिग्री सी। यहाँ पे कोल्ड कंडीशन देनी होती है, ठीक है। आप ओनली HNO2 डाल सकते हो, या फिर और करके NaNO2 और HCl का कॉम्बिनेशन डाल सकते हो 0-5 डिग्री सी पे। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इस रिएक्शन को बच्चों बोला जाता है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसको बोला जाता है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो अब हम इस डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में डायजोनियम सॉल्ट तैयार हो गया, इसमें हम डाल देंगे Cu2Cl2। इस रिएक्शन का नाम होता है बच्चों सैंडमेयर रिएक्शन। इसको क्या बोला जाता है, सैंडमेयर रिएक्शन। तो जैसे ही हम इसमें ये डालेंगे तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन तैयार हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें Cu2Cl2 डाल दोगे, या फिर आप इसकी गैटरमैन रिएक्शन भी कर सकते थे। गैटरमैन में क्या होता है, बस यहाँ पे कॉपर पाउडर लेना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। गैटरमैन और सैंडमेयर में रिएक्शन समझ लो, डिफरेंस समझ लो। सैंडमेयर में Cu2Cl2 लेना होता है और गैटरमैन में कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl लेना होता है। ये इनका बेसिक डिफरेंस होता है, दोनों में प्रोडक्ट सेम ही बनता है, ठीक है। उसके बाद आ गई 20th रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन, 2-chloro-butane 2-3-4-dimethylhexane। 2-chloro-butane, देखो बच्चों यहां पे है 2-chloro-butane, ध्यान से देखो, मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख रहा हूं, दिस इज 2-chloro-butane, ठीक है। इससे हमने क्या बनाना है, 3-4-dimethylhexane बनाना है। तो बच्चों इसकी हम कर देंगे वुड्स रिएक्शन, वॉट्स रिएक्शन करेंगे, CH3Cl CH CH2 CH3। तो हमने दो मॉलिक्यूल ले लिए 2-chloro-butane के इन द प्रेजेंस ऑफ 2 सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बच्चों क्या होगा, देखो यहां से 2NaCl उड़ जाएगा, ये देखो 2NaCl उड़ गया, ये कार्बन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ बन जाएगा। तो देखो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3CH CH2 CH3। तो यहां पे भी CH3CH CH2 CH3। तो देखो इसका नाम, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो देखो 3 और 4 पोजीशन पे मिथाइल आ रहे हैं, तो इसका नाम आ गया 3-4-dimethyl 3-4-dimethylhexane। तो बच्चों ये हमारा कंपाउंड बन गया 3-4-dimethylhexane। तो बच्चों ये थी हमारी टॉप 20 रिएक्शन, टॉप 20 कन्वर्जन, जो बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये मैंने आपको बताई, ठीक है। अगर आपको और भी किसी तरह की वीडियो चाहिए तो अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज प्रोफेसर मुकेश जिंदल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।